इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मामला है बलिया के थाना रसड़ा के अंतर्गत गांव का नाम छवि का घटना है। थाना रसड़ा के अंतर्गत आता है, बताया जा रहा है कि दबगई के बल पर महिलाओं को घर में घुसकर मारा पीटा और सारा सामान क्षतिग्रस्त कर। बताया जा रहा है कि महिलाओं के घर को आदमी नहीं था, केवल महिलाएं ही थी। कुछ बात को लेकर पटीदारों द्वारा महिलाओं को मारा पीटा गया। जब घर के महिलाएं सदमे में है, आरोपी के पिता 100 नंबर पर गढ़वार थाना में पोस्ट है, यानी रसड़ा थाना के दो थाने के बगल में है, पोस्ट है 100 गाड़ी में। इसलिए आरोपी को डर नहीं है, जब पिताजी है 100 नंबर की गाड़ी में, वह भी अपने जिला में, तब किस बात का डर है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है, कि आरोपी को बचा लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्ना कुमार, आप देखना शुरू कर दिया एमके न्यूज खबर। आज पहुंचे हैं बलिया के जो रसड़ा थाना क्षेत्र पड़ता है और छिब्बी ग्राम सभा ये पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हरजन बस्ती है, हरजन बस्ती में ये घर है और इधर में थोड़ा सा आप देख सकते हैं ये जो दुतल्ला घर देख रहे हैं, शायद इनका कहना है कि वो पक्ष इनके ऊपर देख रहे हैं जो इनका घर है। ये पूरा द्वार सब तोड़कर किस तरह घर में क्या वो तहस नहस किए हैं, थोड़ा उसको हम दिखाएंगे आपको। आइए थोड़ा सा आगे आइए, आपको दिखाते हैं। देख लीजिए ये घर का सीन, आप देखिए इधर थोड़ा दिखाएंगे कैमरामैन जी। देखिए ये जितना गैस था, ये पंखा, ये जितना सामान बिखरा पड़ा है, टूटा पड़ा है, ये सभी चीज़ को देखिए किस तरह उसने तोड़े हैं और घर में घुसकर। यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं, इन लोगों का कहना है कि हमारा आदमी है नहीं, यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिलाई मशीन, यहाँ सिलाई मशीन है, ये सिलाई मशीन है, यहाँ ये सिलाई मशीन दिखाई है। यहाँ पर देख सकते हैं सिलाई मशीन भी यहाँ तोड़ा गया है। यहाँ हर चीज़ मतलब समझ लीजिए कि तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ दूसरा द्वार आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरा द्वार है, ये देख सकते हैं ये कुर्सी को भी तोड़ मोड़ कर ये कुर्सी भी तोड़ दिए हैं। ये अंदर में थोड़ा दिखाएंगे आप, इधर अंदर में आप दिखाएंगे कि देखिए किस तरह इसमें का भी जो दरवाजा था इसको तोड़कर और तहस नहस पूरा कर दिया। और इस घर में सिर्फ महिलाएं हैं और आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये थोड़ा सा इधर मोबाइल दिखाइए, ये मोबाइल है, आप देख सकते हैं किस तरह मोबाइल को तोड़ फोड़ कर ये तहस नहस किए हैं। सभी को मैं दिखाऊंगा, ये कुर्सी देख सकते हैं, ये कुर्सी ये टूटा है, कम से कम कुर्सी कैक टूटी है, कुर्सी पाँच कुर्सियाँ जो थी अभी यहाँ पर पाँच कुर्सियाँ तोड़ा गया है। थोड़ा सा अंदर आ जाइए, ये दिखाइए, ये बोर्ड देख लीजिए, यहाँ जो ये बिजली का बोर्ड लगाया गया है ये बोर्ड भी टूटा हुआ है। फिर इसके बाद और दूसरे घर में हम आएंगे, आपको यहाँ दिखाएंगे, कहना भी है कि शायद घर में पूरा सामान बिखेर कर, अब देख सकते हैं सब घर में सामान बिखेर कर कुछ गहना गुड़िया जो भी था गहना होना लूट कर लेकर चले गए हैं। ये देख सकते हैं इस बक्से में ये गहना रखा गया था शायद, यहाँ ये थोड़ा सा आगे आइए, ये देखिए गहना यहाँ रखा गया था, ये बक्सा है, इस घर में भी ये सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और यहाँ से वो शायद पीते होते हैं और पीने के बाद ये सब सभी हरकत किए हैं। मौके पर 112 नंबर आई थी और सभी का सूचना दिया गया था। थोड़ा सा हम आपको आगे इन लोगों से वार्तालाप करेंगे, क्या हम थोड़ा खड़े हो जाइए आप, क्या नाम पड़ेगा आपका? सविता देवी। तो ये घटना कैसे हुई साहब? हम लोग यहीं बैठे थे, ओपी कराया, गाली देने लगा, यहाँ हम लोग गए मारने लगा जी, हम लोग भाग गए मार के डर से। हाँ। उसके बाद ये सब तोड़ फोड़ किया और चुरा उड़ा कर सब लेकर चला। ये घटना कब की है? परसों की 3 बजे का। तो फिर आप लोग सूचना 100 नंबर को दिए? हाँ, सिपाही आए थे, उसके बाद उन लोग को भी गाली दी, सिपाही को भी गाली दी, उन लोगों को भी गाली दिया। उसके बाद फिर और सिपाही आए, उसके बाद भी गाली देने लगा, उसके बाद और सिपाही आए, सिपाही लोग के आने के बाद भी अपने छत पे दो तलिया पर चढ़कर ईटा पत्थर हमारे छत पर फेंक रहा था। ये ज्यादा मतलब दबंग किस्म के हैं? हाँ, उनके डर से कोई छुड़ाने नहीं आएगा, न कोई गवाही देगा, न कोई बोलेगा, अगर हम लोग को काट भी दिया तो कोई बोलने वाला नहीं है ये बस्ती में, ये इतना दबंग है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा उनका? सर्वेश कुमार भास्कर। और उनके पिताजी? चरण माराम। ये लोग क्या करते हैं मतलब? वो सिपाही है। कौन सिपाही है? 100 नंबर का, वो चंद्रमा राम, वो सिपाही, उनके पिताजी सिपाही है, वो इसीलिए लग रहा है। चलिए, प्रशासन उनके पिताजी हैं, कहाँ पर हैं अभी वो जानते हैं? गढ़वार में।
सौ नंबर में, गढ़वार में सौ नंबर में। तो क्या कहेंगे आप, थाना पर आप लोग गए थे? हाँ। तो थाने पर गए, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? आश्वासन यही मिला कि परसों गए, कल बुलाए थे तो हम लोग गए, साहब बोले कि हम कल आएंगे 12 बजे तक, अभी तक कोई नहीं आया इंक्वायरी करने। आज आज 12 बजे? हाँ। ये घटना परसों की है? हाँ। कल कल बोले कि मतलब आऊंगा? हाँ, कल परसों रात में हम लोग गए थे तो आए, फिर कल गए थे तो बोले कि हम आएंगे कल 12 बजे तक, अभी इस टाइम तक पता नहीं। तो क्या क्या सामान तोड़ा गया है आप बता सकती हैं? हाँ, सिलाई मशीन, पंखा, कुर्सी, गैस, मोबाइल, हमारा कान में का मंगलसूत्र, 4000 रुपया। 4000 रुपया भी ले गए? हाँ। ये जब वो आए तो कितने लोग घर पर थे? हम लोग के? हाँ, हम ही लोग थे, सिर्फ दो लोग। हाँ। और लड़के बच्चे कहाँ? लड़के बच्चे सब पढ़ने गए थे। पढ़ने गए? ये कई बजे की घटना है? 4 बजे की। 4 बजे? तो क्या 3 बजे की? 3 बजे? हाँ, 3 बजे। आप क्या कहेंगी, थोड़ा सा आइए आप। 3 बजे की क्या क्या कहेंगी आप? आप क्या कहेंगी, क्या ये घटना जो हुआ है, आप कहाँ थी इस मौके पर? यहीं पे थी। आप यहीं पर? हाँ। फिर आप लोग रोके वो की नहीं थे? हम लोग रोके, हम लोग यहीं पे खड़े, गाली आए देने लगे, मारने लगे, पीटने लगे, हम लोग डर से मारे भाग गए इधर। ये सब तास नास कर, और उसके बाद घर में गया घुस कर, सब ने तोड़ फोड़ किया, उसके बाद तमाशा सब देख रहे थे गांव वाले। गांव के प्रधान कुछ नहीं बोले? गांव के प्रधान भी से कुछ भी नहीं, कोई गांव वाले भी कुछ भी नहीं, कोई डर से बोले, डर से कोई बोले नहीं उनको, वो अगर काट मार भी दे तो कोई बोलने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, गांव घर का कोई छुड़ाने वाला नहीं, बोलने वाला है, इतना दबाएगा कहते कोई छुड़ाएगा तो उनको मारेंगे, लपेटेंगे उसको, मुकदमा करेंगे उस पर। सीओ साहब से नहीं मिले आप लोग? रसवा सीओ साहब? नहीं, हम लोग सीओ साहब से नहीं, अमर वहाँ सिपाही हैं उनसे मिले हैं। कौन सिपाही? जो अमरजीत यादव सिपाही है ना, वही थाना के। हाँ, थाना के पेट्रोलिंग बैठते। वो क्या बोले? वही थाना रिपोर्ट दर्ज करवाए थे, एफआईआर कराए थे। तो फिर कार्रवाई हुई कुछ? कार्रवाई क्या हुई, वही बोले थे हम आएंगे, कल भी बुलाए थे कि कल भी आना, परसों हम लोग गए थे, कल भी आए कि परसों आना, अरे कल आना, तो कल गए थे हम लोग तो नहीं बोले कि हम कल आएंगे, आज के लिए। हाँ, आज के लिए बोले कि हम आज आएंगे, अभी तक आएंगे। हो सकता है शाम तक आए, अभी कोई मतलब इंक्वायरी में कोई मतलब अभी पता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो ये हालात है, कितना एक डरावना हालात है, और यहाँ पर सभी महिलाएं हैं, ये दोनों लोग सिर्फ महिलाएं हैं, और दो लोग इन लोगों के आदमी कहाँ रहते हैं, आपके आदमी कहाँ हैं? हमारे आदमी इधर गुड़गांव रहते हैं। गुड़गांव कमाते हैं? आए हैं, मान लीजिए कि अब तो चुका। हाँ हाँ, सही बात। आपके आदमी कहाँ रहते हैं? गुजरात में। तो आप देख सकते हैं किस तरह, मतलब कि इन लोगों का आदमी यहाँ पर नहीं है, ये दोनों लोग अकेले हैं घर पर, और बच्चे हैं, लेकिन मर्द कोई नहीं है ना, जिसका वो फायदा उठाए हैं, और शायद वो पीते उते हैं, इन लोगों का कहना है कि वो पीते हैं और पी कर ये ऐसा हरकत कर रहे हैं, और शायद प्रशासन इस पर रुख नहीं वो अपना रही है जो अपनाना चाहिए। शायद उनके पिताजी उत्तर प्रदेश जो पुलिस जो 112 नंबर में शायद कहीं कार्यरत हैं, कहाँ कार्यरत हैं बता रही थी, गढ़वार में शायद कार्यरत हैं, जिसको हो सकता है प्रशासन पर दबाव हो कि कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहेंगे सीओ साहब भी इस पर थोड़ा संज्ञान लें, जो रसाना सीओ पढ़ते हैं, इस पर संज्ञान लें और इन लोगों को उचित न्याय दें, क्योंकि तमाम जो सामान ऐसा है, कोई ऐसा सामान नहीं है जो नहीं तोड़ा गया है, और हर घर में इन लोगों का कहना है, देखिए दरवाजा स्वयं दिखाई दे रहा है, और इधर भी एक दरवाजा टूटा है, बाहर में भी ये लोग देख दरवाजा बता रहे हैं, 3 तो दरवाजा टूट चुका है, 5 कुर्सियां टूट चुकी हैं, 1 सिलाई मशीन है, इधर पंखा है, तमाम चीज यहाँ का। फिर ये लोग बता रहे हैं गहना में क्या बता रहे थे आप? कान में का है मंगलसूत्र, कान और मंगलसूत्र। हाँ, कान में का। हाँ, और पैसा कितना? 4000 वापसी में से वो लेकर चले गए? बेटी हार्ट का मरीज है। अच्छा अच्छा। उसके लिए किसी से हम लेकर पैसा आए थे। अच्छा अच्छा। उसको उसी दिन हम गए, हम पढ़ती हॉस्टल में लेकर आए, उसको भी दवा लेके आए, फिर सोचे कि उसको इसी जाकर कराए कि उसका हार्ट बढ़ा है कि घटा है। तब तक तो यही घटना हो गया। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा इस पर इसका संज्ञान लें, हम चाहेंगे कि सीओ साहब और एसपी बलिया इसका संज्ञान लें,
और ऐसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें ताकि ऐसे लोग बचे नहीं और जो भी ये घटनाएं हो रही है थोड़ा कम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।